मेरा नाम डॉक्टर दौलत मिंजानी है। मैं इस प्रैक्टिस में हूँ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस 1980 ऑलमोस्ट। एक्सपर्टीज़ हमारी स्किन प्रॉब्लम्स है, मेनली तो डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, तो उसके साथ स्किन हेयर नेल कनेक्टेड प्रॉब्लम्स होते हैं, एस्थेटिक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं, उनके लिए भी मशवरा दे सकते हैं। जो भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, नाखून से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो ये सब डिजीज़ आ जाती हैं इसके अंदर। और दूसरा हम लोग और स्पेशलाइज फील्ड होती है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। उसके अलावा डिजीज़ ऐसी हैं कि स्किन की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो लॉन्ग टर्म डिजीज़ हैं, बहुत सारी डिजीज़ हैं जो टाइम उनको लगता है ठीक होने में, किसी को 4 हफ्ते लगते हैं, किसी को ज़्यादा लगता है। कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो होती तो कुदरती डिजीज़ होती हैं, जैसे सोरायसिस है, एक्जिमा हैं, वो बार बार होते रहते हैं, तो उनको लॉन्ग टर्म केयर चाहिए होती है। तो उसके लिए एहतियात डॉक्टर से डिस्कस करके समझ लें और उसके एहतियात के साथ रहें और वक्फ़न ज़रूरत के लिहाज से दिखाएं, ताकि वो प्रॉब्लम सीवियर ना हो जाए, बढ़े ना, और उसके लिए कोई प्रॉब्लम ज़्यादा पैदा ना हो। तो इसी वजह से लॉन्ग टर्म डिजीज़ के लिए अंडर डॉक्टर के पास ज़्यादा जाना पड़ता है, वरना जो एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं वो तो कुछ दिनों में, हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाते हैं ज़्यादातर इन्फेक्शंस। विंटर एक सिचुएशन को ले लेते हैं कि इसका टेम्परेचर ठंडा होता है बॉडी का, और स्किन सराउंड इन्वामेंटल टेम्परेचर भी ज़्यादा कम होता है, तो ठंडा होते हैं, मौसम ठंडी होती है। तो एक कोल्ड वेदर का इफ़ेक्ट स्किन पे ये होता है कि स्किन ड्राई हो जाती है उसके दौरान। तो ड्राई स्किन ज़्यादा इन्फेक्शंस के लिए प्रोन भी होती है, खासकर एक्जिमास के लिए, सोरायसिस है, एक्जिमास है, तो ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या लोग सर्दियों में कम नहाते हैं, या पानी की कमी की वजह से भी, अदरवाइज़ भी लोग कम नहाते हैं, तो इन्फेक्शंस ज़्यादा देर तक रहते हैं, क्योंकि अनहाइजीनिक मेयर्स की वजह से। कपड़े रोज़ नहीं बदलते, ऐसे कपड़े पहनते हैं जो रोज़ वॉश नहीं हो सकते, तो इस तरह से वो प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन स्पेशली सोरायसिस बढ़ती है सर्दियों के मौसम के लिहाज से, एटॉपिक एक्जिमा बढ़ती है सर्दियों के मौसम के लिहाज से, तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। हर चीज़ का इलाज अपनी अपनी नौयत पे 2 तरीके से इलाज को डिवाइड कर सकते हैं ना, एक होता है एहतियात, एक होता है रियल इलाज। एहतियात काफ़ी चीज़ों में मदद करता है हमारी, कि एहतियात करें, उस डिज़ीज़ को स्प्रेड से, एक दूसरे को फैलाने से बचा सकते हैं। उसका एहतियात के ज़रिए आप अगर उसको ठीक करेंगे तो इलाज भी आसानी से, उसको इफ़ेक्ट भी हो जाएगा और कम मुद्दत में आप उसको ठीक कर सकते हैं। वो तो डिज़ीज़ पे डिपेंड करता है कि उसकी एक्चुअल रियल एहतियात क्या है। जनरल एहतियात ये होती है कि आप जिस्म को साफ़ रखें, सर्दियों में खासकर मॉइस्चराइज़ रखें, गर्मियों में पसीने, ऐसे मुनासिब कपड़े पहने के पसीना जिस्म पे आपके ना रहे, उसको वॉश करें उसके लिहाज से। तो इस तरह की एहतियात तो डिजीज़ के साथ ही ज़्यादातर बेहतर होता है, कि उसके साथ समझ के हुए उसकी मुनासिब एहतियात करें।